नवरात्रि का पर्व है और नवरात्रि का आज सातवां दिन है। सातवां दिन मां कालरात्रि को समर्पित है। मां कालरात्रि कैसे अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, कैसे वो फल देती हैं, किस तरह से उनकी आराधना की जाए, क्या है उनकी महिमा, आइए जानते हैं। पंडित राजेश दुबे जी हमारे साथ हैं। राजेश जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। और मां कालरात्रि जो है, नाम जो है उनका ही काफी है कि उनकी महिमा कैसी होगी, तो हम चाहेंगे कि आप अपने श्रीमुख से उनकी महिमा का वर्णन करें ताकि दर्शक जान सके हमारे कि मां कालरात्रि का स्वरूप क्या है, उनका प्राकट्य क्यों हुआ था और किस तरह की उनकी महिमा है। अविनाश जी, जय माता जी। अविनाश जी, कालरात्रि माता जी का रूप बहुत उग्र रूप है। कालरात्रि माता जी को काली भी कहा जाता है, भद्रकाली भी कहा जाता है और चंडिका भी कहा जाता है। चंडिका काली, भद्रकाली, इनका रूप देखना बड़ा ही विशाल रूप है। मतलब केश माता जी के छूटे हुए एकदम, हमेशा अब उनकी प्रतिमा देखो माता जी की तो एकदम क्रोध से भरी हुई होती है, मगर भक्तों के लिए और संतों के लिए जी। बहुत ही लाभकारी है जी। माता कालरात्रि का माँ दुर्गा का स्वरूप है जी। श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। महाकाली में से माँ कालरात्रि का जन्म हुआ है जी। उन्हीं से प्रादुर्भाव हुआ है। और कालरात्रि माता जो है चंडिका, चंडी के रूप में भी जानी जाती है, भद्रकाली के रूप में भी जानी जाती है। अब इनकी नवरात्रि पे साधु संत महात्मा लोग ज्यादा तपस्या करते हैं माता जी के स्वरूप की, जैसे कोई कार्य सिद्धि के लिए होता है, विश्व कल्याण के लिए होता है, मनुष्य कल्याण के लिए होता है, रोग नाश के लिए होता है। सबसे बड़ा रोग नाश और शरीर में कितनी खतरनाक पीड़ा क्यों ना हो, रामानंद परमहंस हुए, विवेकानंद जी के गुरु जी थे, इन्होंने मां काली की उपासना की, मां कालरात्रि की उपासना की। उपासना मां कालरात्रि की उपासना में सबसे प्रथम ये है कि आपको इनकी पूजा रात्रि में करना चाहिए। कालरात्रि, रात्रि, काल का मतलब होता है रात और रात्रि का मतलब होता है, तो आपको इनकी पूजा रात्रि में करना चाहिए। वो माता जी की सेवा कालरात्रि का जो स्वरूप है माता जी का, माता जी का यह स्वरूप भले ही भयानक क्यों ना हो, बसरते अपने भक्तों के लिए बहुत शुभकारी और लाभकारी माना जाता है। तो माता जी की यदि हम पूजा करते हैं, मां कालरात्रि की पूजा, महाकाली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी और चंडी के इत्यादि नाम से माता का नाम प्रचलित है। तो वैसे तो कालरात्रि की सबसे पहले पूजा करने में नकारात्मक जो सोच होती है, जो लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे को ऐसा हो गया, ये हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, हमको बड़ा कष्ट आ रहा है, यदि आप मां कालरात्रि की आराधना करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर आपसे विराजमान रहती है, कोसों दूर आपसे नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। अब बात करते हैं माता जी के विधान की, किस तरह माता जी की अपन को आराधना करना चाहिए। सबसे प्रथम यह है कि माता जी की यदि हम आराधना करते हैं तो सबसे पहले हमें गेहूं का आटा लेना है। आटा से हमको अष्टदल कमल बनाना है, उसके ऊपर आपको एक पात्र रखना है। पात्र, यद्यपि आपके पास तांबे का पात्र हो सरल है, चांदी का पात्र हो से हम थाली बोलते हैं, उस थाली के ऊपर भी आपको अष्टदल बनाना है। अब मां कालरात्रि की प्रतिमा तो सबके पास नहीं होती है जी। तो उसके लिए आपको पूर्ण कुंभ बनाना है जी। पूर्ण कुंभ का मतलब ये होता है आपको किसी मिट्टी का घट बनाना है जी। मिट्टी का जो घट पात्र होता है, मिट्टी के घट पात्र में आपको कलश बना के रखना है और उस पर आपको मंत्र लिखना है, ओम ऐं ओम क्लीम ऐं ह्रीम क्लीम कालरात्रि नमः। ओम ऐं ह्रीम क्लीम कालरात्रि नमः, ये आपको लाल अक्षरों से उस पर लिख देना है। इसके बाद में जब आप पूजा करो, सबसे प्रथम आपको गंगा जल से और गुलाब जल से आपको उस कलश की के ऊपर अभिषेक करना है। आपको मंत्र नहीं आता है, सिर्फ आप माता जी का ध्यान, जो भी आपको मंत्र आता हो, माता जी का संपूर्ण मंत्र आता हो, जो भी आप घर में पूजा करते हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, कोई भी मंत्र आपको आता है वो मंत्र आप बोल। यदि आपको मंत्र नहीं आता है
ओम काल रात्रि नमः बोलिए आप, ओम काल रात्रि नमः, आप काल रात्रि नमः बोल के माता जी का पूरा श्रृंगार, उस श्रृंगार में सबसे प्रथम आपको काजल जरूर रखना है, वह काजल जो आपकी पूजा में रखा रहेगा, पूजा करने के बाद उस काजल को आप अपने घर में रखिए। कभी यदि किसी बच्चे को नजर लगती है, आप किसी अच्छे कार्य के लिए जाते हैं जी, जैसे कहते हैं शुभ मुहूर्त पर, आपको बस नाम लेको काजल हल्का सा अपने कंठ में लगा लें, अपने सिर में लगा लें, बच्चों की आंखों में लगा दें, वह काजल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है पूजा का। काल रात्रि का मतलब यह आपसे कितना बड़ा संकट आने वाला है आपके जीवन में, उस संकट से माँ काल रात्रि का वो काजल निराकरण करेगा, माता का वो निराकरण करेगा। अब वह काजल आप लगा के जाते हैं तो आपको जो आपका एक मुखमंडल की जो ऊर्जा होती है वो बहुत ही तीव्र होती है, जिसे कहते हैं कि एक किसी का तेज प्रकाश, भाई सूर्य का उदय होता है तो उसका धीरे धीरे प्रकाश बढ़ता है, तो आप किसी के सामने जाते हैं कोई कार्य, उस कार्य में आपको सिद्धि मिलेगी माँ काल रात्रि की पूजा करने से। अब विशेष रूप में आपको माता जी की पूजा के लिए आपको सबसे काल रात्रि माँ को प्रिय है गुड़, क्या है गुड़, तो आपको माता जी को गुड़ का भोग लगाना है। नौ देवियों में से हर माता जी का अलग अलग प्रसाद है, जैसे कहते ना आपका बच्चा कोई क्या पसंद करता है, तो हमको उस विकराल रूप की सेवा नहीं करनी है जो उनका विराट रूप है, हमको एक माँ के रूप में सेवा करनी है। तो काल रात्रि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, यह मंत्र हमको सिर्फ माँ के रूप में आराधना करनी है। हल्दी, चावल, कुमकुम, दूध, दही, घी से पंचामृत बनाएं और घी से आरती करें। अब यद्यपि हम माता जी के लिए दीपक लगाते हैं, आपको उसमें जो है चार बत्तियां लगानी है। आटे का दीपक बनाएंगे आप जी। आटे के दीपक में आप रोली डाल दें, हल्दी डाल दें, चावल डाल दें और माता जी के दाहिने भाग पर जो आपने वो कुंभ रखा है दाहिने भाग पर ही आप दीपक, हमेशा माता जी के दाहिने भाग पर ही आपका दीपक जलाना चाहिए और माँ से प्रार्थना करिए, आपको माँ नकारात्मक शक्तियों से दूर रखेगी और पूर्ण रूप से कृपा आपके ऊपर माँ कालरात्रि की बनी रहेगी। जी की माँ कालरात्रि की कैसे पूजा करना चाहिए, कैसे उनकी स्थापना करना चाहिए, आम दिनों में रोजाना यदि हम माँ कालरात्रि की आराधना करके घर से निकलें और किस तरह से हम छोटे स्वरूप में उनकी पूजा करके या दीप जला के या हवन करके या धूप बत्ती लगा के हम किस तरह से उनको कौन से मंत्रों के जरिए हम उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, नित्य प्रतिदिन हम किस तरह से पूजा कर सकते हैं, अपनी पूजा की जो दिनचर्या है उसमें हम कैसे माँ की पूजा को शामिल कर सकते हैं, हम चाहेंगे दर्शकों को बताइए। अवनीश जी बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने और अवनीश जी छोटी सी एक बात बोलना चाहूंगा आपसे, माँ कालरात्रि की आराधना करने से सबसे पहले तो हमको यह अपने स्वच्छ वस्त्र पहनना अति आवश्यक है जी। माँ कालरात्रि की आराधना करने में आपके केश बड़े नहीं होना चाहिए जी, आपके नाखून बिल्कुल साफ होना चाहिए, आपके ये कि पूरी बॉडी साफ स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि माँ की पूजा बहुत नियमित अनुसार होती है जी। और काफी लोग पूजा माँ कालरात्रि के रूप को देख के अंदर से भय का वातावरण उत्पन्न होता है, पर हमको भय का वातावरण उत्पन्न नहीं करना है, क्योंकि वो माँ है हमारी जी। हमको माँ के रूप में उनकी सेवा करनी है। तो काल रात्रि आप शुक्रवार के दिन या मंगलवार के दिन जी, शुक्रवार या मंगलवार, शुक्रवार के दिन आप माँ को घी का दीपक लगाइए और मंगलवार के दिन तिली के तेल का दीपक लगाइए जी। तिली का तेल, तिली का तेल जो है कल्याणकारी होता है जी, और घी का जो दीपक होता है वो आपके शरीर का रोग नाश करता है। शुक्रवार के दिन आपको घी का लगाना है जी। और मंगलवार के आपको तिली का तेल का दीपक लगाना है जी। अब यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं जी, मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने घर के पूजा स्थल में अग्निकोण में जी, अग्निकोण में आप उस दीपक को प्रज्वलित करिए जी। शुक्रवार और मंगलवार जी, इन नित्य प्रति का अपना नियम बनाइए आप जी। और यद्यपि आप ये भी नहीं कर सकते हैं
जी, तो आप घर से निकलने के पहले जी अपने जो आपके घर में मंदिर बना है उसे प्रणाम करके निकलिए जी, आप उस मंदिर को प्रणाम करके निकलिए कि हमारे ग्रह के देवता है जी, और माता कालरात्रि का नाम लेके जाइए। सबसे पहले आपको नकारात्मक उससे दूर रखेंगी, और शत्रु कितना बड़ा बलिष्ठ क्यों नहीं होगा आपका जी। माता जी ने, माँ भद्रकाली ने सबसे पहले चंड मुंड का विनाश किया जी, चंड मुंड का रक्त बीज, रक्त बीज वह है, वह राक्षस से अपने माता जी की मूर्ति देखी होगी, तो एक हाथ में राक्षसों का सिर है और वहां से रुधुर निकल रहा है और अग्नि में वो रक्त बीज है। जहां जहां उसका रक्त का एक एक कण गिरता था वहां वहां से कई रक्त बीज पैदा होते थे जी। तो फिर माता जी ने अग्नि की सहायता लेके उसको रक्त को और अग्नि में समाप्त की गई, तो वो रक्त बीज का उन्होंने इस तरह विनाश किया, चंड मुंड का विनाश किया। और चंड मुंड का विनाश करने के बाद में आपसे एक बता दूं, सबसे बड़ी कालरात्रि की शक्ति ये है कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया का उपयोग नहीं कर सकता जी। जैसे आज हमारे वातावरण में कई जगह आपने देखा होगा कि बड़ा ही वातावरण सुनने में आता है, तो कालरात्रि की आराधना करने वाले के व्यक्ति के लिए किसी भी तंत्र क्रिया का उसके शरीर के ऊपर उपयोग नहीं होता जी। और एक और मैं अवनीश जी आपसे बहुत खास बताना बात चाहूंगा, हम अपने घर में शंख जरूर रखें जी, छोटा शंख रखें, और यद्यपि हम उस शंख की ध्वनि थोड़ी एक दो सेकंड भी अभी यहां अपने घर में उस शंख की ध्वनि बजाते हैं तो जहां जहां तक उस शंख की ध्वनि जाएगी वहां वहां तक ये आपकी नाकार चली जाएगी। ये नित्य प्रति का नियम बनाइए। हमारे पिताजी घर में रोज सेवा करते हैं तो वो संघ का पर डे उपयोग करते हैं जी। बेटा संघ एक बार जरूर बजाना चाहिए जी। तो संघ का उपयोग करिए, संघ के उपयोग करने से और कालरात्रि की पूजा करने में सबसे बड़ा ये कि आपके घर में जो झाड़ू, जिससे आप झाड़ू लगाते हैं उस स्थान पर झाड़ू नहीं लगानी आपको, अच्छा आपको पोंछा ही लगाना वहां पर, अच्छा हाँ। काल रात्रि की पूजा के विशेष बहुत बड़ा महत्व है जी। उस घर में आपको झाड़ू का उपयोग नहीं करना है जी, आपको पोंछे का उपयोग करना है जी, पोंछे का उपयोग करना है आपको, और उनके जो चढ़ाए हुए पुष्प हैं जी वह आप बिल्कुल जल में समर्पित करिए जी, जल में बिल्कुल समर्पित करिए उनको, यहाँ वहां वो ना जाए क्योंकि वो माँ कालरात्रि की पूजा है जी। तो बड़े श्रद्धा और भक्ति भाव से करिए, और आपको अच्छा फल देने वाली माँ कालरात्रि हैं, और माँ कालरात्रि हैं विश्व कल्याण के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए, सृष्टि के निर्माण के लिए माँ कालरात्रि का बहुत बड़ा सहयोग देवताओं के साथ रहा है। अवनीश जी, ये तंत्र साधना में भी जो है बहुत सारे जो साधक हैं तंत्र मंत्र की जो बातें होती हैं, और नवरात्रि के दिनों में आमतौर पर हमें देखने को मिलता है कि चौक चौराहों पर कहीं अपने से कुम्हार जो